हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य काफी सक्रिय हो गए हैं और इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी लगातार विभागीय कामकाजों की समीक्षा कर रहे हैं। धरातल पर सरकारी योजनाओं की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित उसकी जानकारी ले रहे हैं, खुद दौरे कर रहे हैं और सुधार की जहां गुंजाइश है वो भी कर रहे हैं। इन सब के अलावा जनप्रतिनिधि के सामने एक अहम जिम्मेदारी होती है, अपने क्षेत्र के लोगों से, राज्य के लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना और समाधान करना। इस कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानने में जुटे हैं। देखिए रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाया। काफी संख्या में फरियादी कांग्रेस भवन पहुंचे और स्वास्थ्य मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हर एक आदमी तक यह सरकार पहुंचेगी, हर एक समस्या का निदान होगा। वहीं अस्पतालों की व्यवस्था पर कहा कि जल्द स्वास्थ्य सेवा रास्ते पर आ जाएगी ताकि किसी को समस्या का सामना न करना पड़े। कमी और खामियां हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन कमी और खामी को दूर करने के लिए कोई जापान और अमेरिका से आदमी नहीं आएंगे। कमी और खामी को दूर करने के लिए हम आप जैसे लोग को ही काम करना होगा। तो मैं स्वास्थ्य विभाग में मंत्री की हैसियत से नहीं, सेवक की हैसियत से काम कर रहा हूं। और आपने देखा भी होगा कि कल हम लोग अचानक गए थे, वहां भोजन भी हमने वहां देखा चखा है। हम रिमपास भी गए थे, रिमपास का भी खाना चेक किया, खाया भी। और कल आपने देखा होगा कि एक गरीब आदमी को खून की ज़रूरत थी और 9 दिन से वो परेशान था और उसके पास कोई एक भी सहारा वाला आदमी नहीं था जो खून देकर जो है उसको दौड़ाया जा रहा था। तो हमने ये सोचा कि यदि हमारे कोई भी आदमी गलती किए हैं तो घर का गार्जियन की हैसियत मेरी है। तो मैंने ये समझा कि पश्चाताप तभी होगा जब 9 दिन आदमी दौड़ रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो मैंने खुद का खून देकर एक सांकेतिक विचार पैदा किया है। कोडरमा से सरिता देवी ने बताया कि मेरे जीजा जी मेडिका में भर्ती हैं, उनका न्यूरो सर्जरी हुआ है और हमारे पास पैसा नहीं है कि उनका इलाज करवा सकूं। मंत्री जी से मुलाकात के बाद उम्मीद है कि हमारे जीजा का इलाज हो पाएगा। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वह हमारी फरियाद सुनेंगे और इलाज हो पाएगा। रांची से संवाददाता कौशल की रिपोर्ट। मंत्री सर, मेरा जो मेरे जीजा जी जो लगते हैं ना, वो ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गए हैं। तो मेडिका में बेहतर इलाज के लिए उनका ऑपरेशन वहाँ पर हुआ है, वहाँ का इलाज बहुत अच्छा है। यही कारण से हम चाह रहे हैं कि मेरा मरीज अच्छा हो जाए जल्दी से, यही कारण से। और भी जितना भी फीस बने तो वो स्वास्थ्य मंत्री जी माफ़ करवा दें, यही हमारी विनती है। और मेरा पेशेंट अच्छा हो जाए, बस और कुछ नहीं है सर। तो सीधे रांची स्टूडियो का रुख करते हैं, हमारे साथ झारखंड संपादक संजय समर जुड़े हुए हैं। संजय जी, हेमंत सोरेन कैबिनेट के सभी सदस्य सक्रिय नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री की सक्रियता काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो गई, संयोग कहें कि लगातार उन्हें लोगों की मदद करने का मौका मिल रहा है, तो एक जनप्रतिनिधि को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन का मौका मिल रहा है और बन्ना गुप्ता इसमें कोई कोताही बरतते नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल। देखिए दीपक, आपने सब बिल्कुल बातें सही कही। बन्ना गुप्ता जमीन के आदमी है, जमीन से जुड़े आदमी है और ये संघर्ष की उपज बन्ना गुप्ता नाम ही इनका है। जमशेदपुर से आए हैं, जमशेदपुर में भी इन्होंने टेम्पो वाले जी लड़ाई लड़ी है, खुमचा वाले की लड़ाई लड़ी है, रिक्शा ठेला वाले आए हैं, ये सब हम लोगों ने आंखों से देखा है। तो उसकी उपज है और वो सामने आए हैं। मैं बता दूं कि ओंकार आमी का संवाददाता राज अस्पताल में एडमिट है, उसको भी देखने वो चले गए। पत्रकारों के लिए भी आयुष्मान कैसे लागू हो इसके लिए वो चिंतित है जी। एक जनप्रतिनिधि की जो भूमिका होनी चाहिए उसे बखूबी बन्ना गुप्ता निभा रहे हैं
अधिकारी कर्मचारी वही हैं, लेकिन उनको डांट के फटकार के काम भी लेना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि ये सारा काम, इनका मेहनत अब जमीन पर उतरता दिखेगा। जी बिल्कुल, और लोगों की भलाई इसी में है, और अगर सरकार के सेहत का ख्याल रखें तो वो भी इसी में दुरुस्त रहेगा कि वो लोगों को खुश रखें, संतुष्ट रखें, तो वैसे में सरकार की सेहत भी दुरुस्त रहेगी। जिम्मेदारियों की जब बात हो रही है तो जिम्मेदारी निर्वहन नहीं करने वालों को अब हेमंत सोरेन सरकार चिन्हित करने में जुट गई है। इसी कड़ी में कई बड़े अधिकारियों की भूमिका पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान संदिग्ध पाई गई, और ऐसे में अब कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। सीआईडी के एडीजी अनुराग गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने 1990 बैच के विवादास्पद आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को सस्पेंड करने पर अपनी मंजूरी दे दी। वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान अनुराग गुप्ता पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। निर्वाचन आयोग की जांच और निर्देश के बाद 29 मार्च 2018 को रांची के जगन्नाथपुर थाना में गुप्ता के खिलाफ आईपीएस की धारा 171 बी और 171 सी एफआईआर दर्ज है। चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के अलावा एडीजी अनुराग गुप्ता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चलाने का भी निर्देश दिया था। वहीं दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार भी अब रडार पर हैं। उन पर भी अब गाज गिर सकती है, क्योंकि अजय कुमार अनुराग गुप्ता के करीबी रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। देखिए, अनुराग गुप्ता पिछले बार राज्यसभा के चुनाव जब हो रही थी, उस समय एक वोटर को, एक माननीय विधायक को फोन पे लगातार दूसरे पार्टी के, मतलब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करने के लिए प्रयास कर रहे थे, और इस प्रकार बहुत सारे अधिकारी हैं जो इस राज्य को एकदम बर्बाद कर रखा है। उस परिस्थिति में देखा जाए तो आने वाले समय में और भी जो लोग इस राज्य के साथ, इस राज्य की जनता के साथ मजाक किया या भ्रष्टाचार में लिप्त या और किसी प्रकार के गबन में लिप्त है, निश्चित तौर पर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। एडीजी अनुराग गुप्ता पे जो आज कार्रवाई की गई है, उसको मैं और हमारी पार्टी बिल्कुल सही मानती है, क्योंकि पहली बार 2016 राज्यसभा चुनाव में जो उन्होंने कार्य किया था, योगेंद्र साव को धमकाने का काम, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का काम हुआ, जिसकी सीडी हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी ने 2017 में निकाला था, तब से वो लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो एक सबक है सभी के लिए, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो जनता हो, कि कानून सबके लिए बराबर है, और अगर ऐसा कार्य कोई करता है तो उसके लिए सज़ा होनी बहुत ज़रूरी है, और सज़ा होनी भी चाहिए थी, कि जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं उनके लिए आगे का राह आसान नहीं हो, उन लोगों के अंदर भी ये डर बैठे कि अगर मैं गलत काम करूँगा तो इसकी सज़ा मुझे मिलेगी। आपको बता दें कि जेबीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव 2016 में कथित गड़बड़ी की शिकायत को लेकर 2017 में एक सीडी जारी की थी। सीडी में बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने के लिए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और एडीजी अनुराग गुप्ता के बीच बातचीत का जिक्र था। इसके बाद आयोग के प्रधान सचिव वीरेंद्र कुमार ने रांची आकर जाँच की थी। मरांडी ने कहा था कि कांग्रेस विधायक निर्मला देवी को वोट देने से रोकने के लिए उनके पति और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को एडीजी अनुराग गुप्ता ने दो दिन में 26 बार फोन कर लालच और धमकियां दी। सीडी में एक जगह योगेंद्र साव से गुप्ता कहते हैं कि अभी 3-4 साल रघुवर सरकार रहेगी, आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, बात मनाने पर दिक्कत होगी। कारण क्या है, किस आधार पर उन्होंने किया है वो तो उनके पता नहीं है, लेकिन बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, सरकार अगर उसको लगता है कि कोई विषय हो तो उसे जांच करना चाहिए, और अगर बदले की भावना पे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बता दें कि जब से हेमंत सरकार सत्ता में आई है, तब से ही पिछली सरकार के कारनामों को उजागर करने में जुटी है। रघुवर दास के साथ साथ जितने भी उनके करीबी अधिकारी थे, सब पर हेमंत सरकार की नजर है। अनुराग गुप्ता के बाद अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रेस सलाहकार अजय कुमार भी रडार पर हैं। अब देखना ये होगा कि महागठबंधन सरकार आगे आगे क्या क्या करती है। रांची से सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। पहले एडीजी अनुराग गुप्ता पर गाज गिरी, और अब प्रेस सलाहकार रडार पर हैं। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, अमूमन कहा जाता है कि जब कोई गड़बड़ी होती है तो बड़ी मछलियां बच जाती है, लेकिन इतने
वरीय क्रम के अधिकारियों पर गाज गिर रही है हेमंत सोरेन के कार्यकाल में। क्या ये वाकई में जांच पड़ताल के बाद की गई कार्रवाई लगती है, या फिर जैसा बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि विद्वेष की भावना से, राजनीतिक विद्वेष की भावना से प्रेरित होकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए दीपक, चुनाव आयोग के प्रधान सचिव वीरेंद्र कुमार इस संबंध में तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा को पत्र लिखा था। पत्र में अनुराग गुप्ता को सरकारी सेवक मानते हुए उनके खिलाफ पीसी एक्ट के तहत पद का दुरुपयोग की बात कही थी। दूसरी तरफ आप देखें कि चुनाव कार्य में हस्तक्षेप के लिए मुख्यमंत्री के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार थे अजय कुमार, उसके बाद इनको प्रेस सलाहकार में बदला गया था। इनको पीसी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जी। तो जब इतने बड़े लोग और चुनाव आयोग ने यह काम किया तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सच्चाई होगी। अब तो जांच के बाद पता चलेगा जी। इसमें एक मामला और आया था कि एक विधायक हुआ करते थे चमरा लेंडा जी, उन्होंने वोट नहीं दिया था। बाद में पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब थी जिसके कारण वो अस्पताल में भर्ती थे। तो किसी न किसी तरह से ये मतदान को प्रभावित करने के लिए ऐसा काम किया गया होगा। तब तो बाबूलाल मरांडी यहाँ के एक मानित नेता है, जन नेता उनको कहा जाता है, उन्होंने जो सीडी दी है, सीडी जांच के बाद यह कार्रवाई हुई है। उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हेमंत सरकार ने या मुख्यमंत्री हेमंत ने यह काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह एक सरकारी प्रक्रिया है जिसके तहत यह काम हुआ है। इसके पहले भी ये मांग उठी थी कि इन दोनों को पद से हटा देना चाहिए क्योंकि जांच प्रभावित हो सकता है। क्योंकि सरकार मुख्यमंत्री की थी, मुख्यमंत्री रघुवर दास की थी, इसी से उन्होंने इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन सरकार हटते फाइल तो मरती नहीं है, ये फाइल फिर से जिंदा हो गई है। अब देखना यह है कि कब दूध का दूध और पानी का पानी अलग होता है जी। संजय जी, ऐसे में एक ये अच्छा संकेत भी है, अगर वाकई में विपक्ष के आरोपों के मुताबिक ये राजनीतिक विद्वेष की वजह से की गई कार्रवाई नहीं है, तो अच्छी बात यह है कि झारखंड में जो अधिकारियों का मकड़ जाल है, जो सरकारी योजनाओं और आम जनों के बीच एक दीवार सा रुकावट का काम करने लगा है, वैसे पुरानी फाइलों को अब झाड़ा जाएगा और कार्रवाई की संभावना बनती दिख रही है आने वाले समय में। देखिए दीपक, अभी एडीजी का मामला हुआ जी। दूसरी तरफ हम बता दें कि रघुवर दास के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आईएएस टॉपर रहे सुनील बर्रवाल जी, उन्होंने सत्ता के मद में चूर होकर के अपने ससुर को फार्मेसी का प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया था। मतलब सरकारी पद है, फार्मेसी का अध्यक्ष बना दिया था, अपनी पत्नी को कई विभागों का वकील बना दिया था। तो ये सब तो अगली सरकार आएगी, लोकतंत्र में लोग भूल जाते हैं, सत्ता के मद में चूर होकर के अनाप शनाप काम करते हैं, ये तो लोकतंत्र है। नई सरकार आएगी तो जांच करेगी और जांच में पाया जाएगा कि भाई आपके पास डिग्री थी कि नहीं, डिग्री है कि नहीं, उसका भी लाभ है कि नहीं, ये सब चीज तो पाया जाएगा ना। तो उसके बाद सारी चीजें सामने आ रही है धीरे धीरे कर करके। तो दो तीन चीज तो सामने आ ही गई है जो काम इन लोगों ने किया है। अब हर सभा में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बोला करते थे कि भ्रष्टाचार राज से खत्म, भ्रष्टाचार राज से खत्म, लेकिन वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक एक कर करके पन्ने जब उल्टे जा रहे हैं तो तमाम जगह गड्ढे ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन संजय जी, दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन स्वच्छता अभियान पर निकल पड़े हैं और तमाम सरकारी ऐसे अधिकारियों की अब फाइल खुलेगी पुरानी पुरानी और सरकारी महकमे को साफ किया जाएगा। देखिए दीपक, इसको पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हम देखने की जरूरत नहीं है। जहां बेमानी हुई है जी, वो तो साफ दिखाई देगा। अब वैसे वैसे हिसाब से पनिशमेंट भी तय होना चाहिए ताकि लोग मनमानी न कर सके, जेन्युइन काम कर सके। अब जिनके पास डिग्रियां हैं जी, वो उपेक्षित हो गए, और जिनके पास नहीं है वो एक या दस विभाग के प्रभार में हो गए, दस विभाग के वकील हो गए। तो ये गलत जा रहा है ना, ये तो हाथ कंगन को वार्षिक का वाली बातचीत है। इसमें कहीं से है ही नहीं
और रघुवर दास भी 2003 बैच के अधिकारी, 1999 बैच के अधिकारी टॉपर जी। सुनील परमार देश भर में जो टॉप किया अधिकारी, इस तरह की बेमानी करेगा तो आगे जनता या नेता राजनेता क्या उम्मीद कर सकते हैं जी। एक तो क्वेश्चन मार्क है ना, एक दिमाग में हर लोगों का भरा पड़ा है कि आईएएस है तो ईमानदार है, लेकिन ये तो आईएएस टॉपर रहे, पूरे देश में टॉप किए और परिवारवाद। बिल्कुल, तो अब इससे ये स्पष्ट होता दिख रहा है संजय जी कि हेमंत सोरेन अब स्वच्छता अभियान सरकारी महकमे में चलाने को पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी पदाधिकारी, चाहे वो कितना भी उच्च पदस्थ ना हो, क्यों ना हो, अगर उसकी फाइलों में कुछ गड़बड़ी है तो कार्रवाई होगी। और ऐसे में इस बात की भी संभावना बनती दिख रही है कि जो दावे किए गए थे हेमंत सोरेन द्वारा स्वच्छ प्रशासनिक व्यवस्था देने की, लोगों को विकास के रास्ते पर ले जाने की, उस दिशा में कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन।